शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में एक बार फिर से यशोधरा राजे सिंधिया को जगह मिली है। भारतीय जनता पार्टी को आर्थिक सपोर्ट करके उसे खड़ा करने वाली विजया राजे सिंधिया की बेटी यशोधरा राजे सिंधिया का पार्टी में इतना बड़ा कद है कि प्रदेश में जब जब भाजपा की सरकार बनी उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। हालांकि पिछली बार सरकार में मंत्री रहते हुए उनकी आखिरी समय में शिवराज सिंह चौहान से ट्यूनिंग जरूर बिगड़ गई। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को पलटकर भाजपा को सरकार बनाने का मौका देने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री व राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया की यशोधरा राजे सिंधिया बुआ हैं, इसलिए मंत्रिमंडल में उनके नाम को लेकर किसी तरह का संशय नहीं था। कैबिनेट मंत्री बनी यशोधरा राजे सिंधिया एकमात्र ऐसी नेता हैं जो अपने तल्ख मिजाज के लिए चर्चित हैं। शिवपुरी शहर में बहुप्रतीक्षित जलावर्धन योजना के तहत सिंध का पानी भी तब आ सका जब यशोधरा राजे सिंधिया ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लिया। इससे पहले वो उद्योग मंत्री, खेल मंत्री, संस्कृति व धार्मिक न्यास मंत्री रह चुके हैं। एक बार ग्वालियर से सांसद रह चुकी हैं। 1998 में पहली बार विधायक चुनी गई जबकि वो अपनी मां के साथ गुना ग्वालियर संसदीय क्षेत्र बहुत पहले से न केवल आती रहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से पूरी तरह वाकिफ रहीं। यशोधरा राजे सिंधिया का नाम बीते काफ़ी वक्त से चर्चा में था। जब मिनी कैबिनेट का गठन हुआ उन्हें मिनी कैबिनेट में जगह नहीं दी गई तब इस बात पर संशय बरकरार था कि इस बार उन्हें शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में कोई मंत्री पद दिया जाएगा, कोई जिम्मेदारी दी जाएगी भी या नहीं। लेकिन अभी शिवराज सिंह चौहान ने सिंधिया समर्थक और भाजपा के नेताओं के बीच तालमेल बैठाया और तालमेल बैठाने के बाद भी यशोधरा राजे सिंधिया को बराबर से तवज्जो दी है। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।